नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत पुरकाजी के सभागार में वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने कहा कि सरकार को व्यापारियों का सम्मान करना ही होगा। व्यापारी का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग का पुरकाजी कस्बे में पहुंचने पर फूल मालाओं से व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। नगर पंचायत के सभागार में व्यापारियों को संबोधित करते हुए व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने जीएसटी के बारे में विस्तार से समझाते हुए बताया कि जीएसटी धारक व्यापारी का दुर्घटना बीमा सरकार द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की मांग पर 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा हर वर्ष प्रदेश के सभी 56 जिलों में दौरा कर व्यापारियों से उनकी समस्याओं से रूबरू होना है और उसके पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर उनका समाधान कराया जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय घनश्याम दास गर्ग जी का वार्षिक दौरा था और व्यापारियों को संगठित करने और एक सूत्र में बांधने के लिए हर वर्ष प्रदेश का दौरा करते हैं, उसी के तहत आज ये कार्यक्रम। अच्छा, व्यापारियों की आवाज उठाने के लिए किस तरह का डिसीजन लिया गया है? व्यापारियों की आवाज उठाने के लिए जैसे जीएसटी का मामला है और बहुत मामले हैं, उन्हीं के लिए संघर्ष कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उसी के तहत ये दौरा करते हैं हर वर्ष। आज मीटिंग में लगभग कितने व्यापारी शामिल हुए? व्यापारी, हर वर्ग का व्यापारी और हर क्षेत्र का व्यापारी आज मीटिंग में मौजूद था और सभी ने एक मत में व्यापार मंडल में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को अपना पूरा सहयोग दिया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश का दौरा होता है प्रदेश अध्यक्ष का। हमारे साथ जिलाध्यक्ष राम कुमार तैल जी बराबर प्रदेश दौरे में है। ये जाकर के पुरकाजी में हो या कहीं भी हो, हम लोग व्यापारियों की बैठक लेते हैं और बैठ करके व्यापारियों की समस्याओं को जानते हैं। तो यहाँ पर भी आज प्रदेश दौरे के तहत आना हुआ है, हमने व्यापारियों की समस्याओं को जाना है। जीएसटी की समस्याएं व्यापारियों ने रखी है और हम व्यापारी की सुरक्षा और सम्मान के लिए निरंतर हमारा व्यापार मंडल संघर्ष करता रहता है। सर, एक सवाल ये था जो भी आपने बता दें कि फर्जी व्यापारियों पे जीएसटी के सर्वे छापे होने हैं, ये इस भय से हमारे व्यापारी भयभीत हैं। तो हमारा व्यापार जो कहना है कि सर्वे छापे केवल उन्हीं व्यापारियों पर होंगे, उन्हीं के यहाँ छापे लगाए जाएंगे जो व्यापारियों ने फर्जी जीएसटी नंबर लिया हुआ है। यानी कि किसी का आधार, किसी का पैन नंबर लेकर के जीएसटी विभाग से साठगांठ करी है और उसने फर्जी जीएसटी नंबर ले लिया है, उसके अगेंस्ट उसने बिलिंग करा ली है और उस बिल के अगेंस्ट जो बिल उन्होंने करोड़ों रुपए के बिल लिए हैं उसका ITC सरकार से वसूल लिया है, यानी कि सरकार को चूना लगाया है करोड़ों रुपए का। ऐसे व्यापारियों के छापे होंगे। आम व्यापारी को सर्वे छापे से डरने की जरूरत नहीं है, ना ही उनके यहाँ कोई सर्वे छापे होगा। लेकिन व्यापारियों को एक बात हमने कही है, आह्वान किया है कि अपने बोर्ड साइन बोर्ड पर अपने फर्म का नाम और जीएसटी नंबर अवश्य लिखवा लें ताकि सरकार आने वाले व्यापारी अधिकारी को ये पता लगे कि व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत है। बीमा, हर व्यापारी का बीमा जो कभी 1 लाख था, आज योगी जी की सरकार में हर व्यापारी का रजिस्टर्ड व्यापारी का जो व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत है उसका जीवन दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए है ऑटोमेटिक। भगवान ना करे यदि किसी व्यापारी की मृत्यु होती है दुर्घटना में, 10 लाख रुपए सरकार उसको देती है। ये व्यापार मंडल की ही मांग पर किया गया था। व्यापार मंडल ने व्यापारी सुरक्षा सेल भी बनवाई है, व्यापारी कल्याण बोर्ड भी बनवाया है। तो हमने व्यापारियों को आह्वान किया है कि एक रहिएगा, एकतामयी बल है, उनकी एकता ही हमारी ताकत है। इसलिए व्यापारी सरकार को भी हम लोग चेताते हैं समय समय पर, आज भी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि व्यापारियों की यदि बात नहीं सुनोगे सरकार नहीं रहेगी। सरकार को यदि सत्ता में रहना है तो व्यापारियों की बात सुननी पड़ेगी और व्यापारियों की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, व्यापारी की बात को मानना पड़ेगा, ये हमारी बात है। आपका ये व्यापार मंडल जो है ये कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है? हमारा व्यापार मंडल आज प्रदेश के 55 जिलों में है, आपके यहाँ से लेकर के आपके बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, आपका चंदौसी, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, पीलीभीत, शाहजहानपुर, सब उंगलियों पे हमारे जिलों के नाम। तो 55 जिलों में हमारा है और लगभग 1250 इकाइयाँ हमारी हैं प्रदेश भर में, पूरे प्रदेश। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।